हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि आप पुराने घर में पड़े ख़राब एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करें। दोस्तों, ये दो मेरे पास ओरिएंट कंपनी के एलईडी बल्ब है जो मैं इनको आपको अभी आज रिपेयर करना सिखाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे से समझाऊँगा भी। दोस्तों, चलो इस वीडियो को देखते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, इस ढक्कन नहीं, सिर्फ एलईडी बल्ब होता है दोस्तों। इसमें ये 70% ये सामने वाली एलईडी होती है ना, जो यही ख़राब होने का चांस है दोस्तों। इसमें सर्किट बहुत ही कम ख़राब होता है, बहुत ही कम वजह है सर्किट ख़राब होने की। और ये जो सामने की और एलईडियां होती है ना, इनमें से अगर एक भी एलईडी आपकी ख़राब हो गई तो ये एलईडी सारी बंद हो जाएगी दोस्तों। इसमें सिर्फ एक ही एलईडी ख़राब हो गई तो इसमें जितनी भी लगी सर्किट में एलईडियां हैं ना, वो सारी बंद हो जाएगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा उनको कैसे रिपेयर करें दोस्तों। ये मैंने दोनों लगा के चेक किए हैं दोस्तों, ये दोनों ही नहीं काम कर रहे हैं। चलो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ एक एलईडी बल्ब को दोस्तों, इसका एकदम अच्छे से रिपेयर बताऊँगा आपको मैं आज। आज के बाद आप एलईडी बल्ब फेंकोगे नहीं, आप खुद ही घर पे फ्री में रिपेयर कर पाओगे आज से। चलो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, मैं आपको इसमें एक एक बात बताऊंगा। देखो दोस्तों, मैं इसको 220 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में डाल रहा हूँ, देखो बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा है ये बल्ब, ये अंदर से ख़राब हो चुका है। चलो तो मैं आपको आज एक ही बल्ब रिपेयर करना सिखाऊंगा दोस्तों। चलो देखते हैं, ये पहले इसके ये दो स्क्रू निकाल लेता हूँ मैं। इसमें दो स्क्रू है, चलो मैं ये निकाल लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने स्क्रू निकाल लिए हैं दोनों। अब ये पीछे थोड़ा दोनों हीट सिंक का काम करती है, ये नीचे वाली प्लेट और ये दोनों के बीच में पेस्ट लगाया जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर दोनों पे बराबर रहे, इसीलिए लगाया जाता है दोस्तों। हीट सिंक का ही काम करता है दोस्तों एक तरह से दोस्तों। इसमें ये सर्किट है, इस सर्किट में ज़्यादा तो प्रॉब्लम होती नहीं है, ज़्यादातर ये सर्किट ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पास ऐसा ही कुछ दूसरा सर्किट है दोस्तों। आपको पहला काम ये करना है कि आपको इसको 280 वोल्ट में लगा के 220 में आपको मल्टीमीटर में एसी वोल्ट पे सेट करके 720 पे यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। लगभग एलईडी में दोस्तों वोल्टेज आ जाता है क्योंकि सर्किट बहुत ही कम ख़राब होता है इसका। अगर वोल्ट आ रहा है तो आप पक्का समझ लेना कि ये सामने वाली एलईडी प्लेट ही ख़राब है दोस्तों। चलो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा मल्टीमीटर अभी फ़िलहाल ख़राब हो चुका है तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरी एलईडी है जो मेरे पास दूसरे बल्ब से निकाली हुई है जो पहले से वो ख़राब था दोस्तों। ये एलईडी एकदम सही है और ये मैं चेक करूँगा कि एलईडी ख़राब है या मेरा बल्ब ख़राब है दोस्तों। ये बिल्कुल सही एलईडी है जो मैं इसमें अभी लगा के चेक कर रहा हूँ कि हमारा सर्किट तो नहीं ख़राब है। इसमें आप भी कर सकते हो, आपके पास नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। मेरे पास मल्टीमीटर ख़राब है तो मैं यहाँ पे ये एलईडी कनेक्ट करके देख रहा हूँ दोस्तों। मैं इस पर दो वायर सोल्ड करके इसको चेक करूँगा कि हमारा सर्किट ख़राब है या सही। अगर ये एलईडी जल गया तो समझ लेना हमारा इस पहले वाला एलईडी जो इस बल्ब का था ना, वो ही ख़राब है। उसको रिपेयर करना भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊँगा। चलो दोस्तों, अब इसकी सोल्डरिंग हो चुकी है। अभी मैं ये वायर 220 वोल्ट में बोर्ड में डाल रहा हूँ दोस्तों, अब देखना ये जल जाएगा। दोस्तों पक्का हमारा सर्किट सही है दोस्तों, हमारा सर्किट बिल्कुल ही सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है दोस्तों। हमारा जो पहले वाला एलईडी था ना, वो ही ख़राब है दोस्तों। आज आपको वो एलईडी पीसीबी भी आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि आप कैसे पता करें कि कौन सा इसमें बल्ब फूट चुका है दोस्तों। इसमें एक भी बल्ब फूट जाता है ना, एक भी एलईडी, तो ये पूरा
प्लेट ही ख़राब हो जाता है। तो आपको मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इसको वापस रिपेयर करने का। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ पहले वाला LED लगा के इसमें। ये लगा के मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, यकीन ना हो तो। चलो मैं ये लगा के आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से। ये हमारा वायरिंग हो चुका है। मैं 220 वोल्ट में ये वायर डालने वाला हूँ। देखो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैंने वायर लगा दिए हैं, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा यही ख़राब है, ये LED वाला सिस्टम। दोस्तों आप ऐसा ही बैट 3 वोल्ट की मोबाइल की बैटरी लेके एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लेना चेकअप के लिए। दोस्तों आपको हर LED पे ये बैटरी के टर्मिनल लगा लगा के देखने हैं। दोस्तों दोनों साइड से चेक करने हैं आपको। जो LED दोनों साइड से जल रही है, एक साइड से जल रही है, अगर LED आपकी ऑन भी हो जाए तो आप समझ लेना ये LED से। ये आपको इसी प्रोसेसर को अपना के सारी LEDs को चेक करना है। दोस्तों मेरे में यही LED ख़राब है। दोस्तों इस LED को मैं रिपेयर करना बताऊंगा। एक बार सारी LED में चेक कर लेता हूं। इसमें मैंने वीडियो स्किप कर दिया है और यही LED ख़राब, और मेरी सारी LED सही है। तो आप इसको थोड़ा पेस्ट लगा के इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देना है, फिर आपका ये LED 100% रिपेयर जलने लगेगा। इसको आप पेस्ट लगा लीजिए यहाँ पे अच्छे से, देख लेना आप भाई, टच ना कर दो। यहाँ पे पेस्ट लगा के इन दोनों टर्मिनल को आपस में आपको शॉर्ट कर देना है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ। हमारा पेस्ट लग चुका है, अब हम इसमें करेंगे थोड़ा सोल्डरिंग। इन टर्मिनल को आपस पे शॉर्ट करने से इसका वोल्टेज है ना, वो दूसरे LED तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये बीच में सर्किट टूट LED टूट जाने के कारण ये बीच से फ्यूज हो गया, तो ये आगे वोल्टेज नहीं जाने दे रहा है, तो ये हमारा पूरा ही बंद हो जाता है। दोस्तों आप इसको आपस में शॉर्ट कर लो। शॉर्ट कर लिया मैंने, देखो आप भी अच्छे से इसी प्रकार से शॉर्ट कर लेना दोनों टर्मिनल को। आपस में शॉर्ट करने से ये रिपेयर हो जाएगा आपका। चलो मैं इनको अभी 220 बोर्ड में लगा के चेक करता हूँ कि हमारा LED रिपेयर हुआ या अभी तक नहीं हुआ। चलो इसका देखते हैं दोस्तों, देखना। दोस्तों हमारा ये LED बल्ब रिपेयर हो चुका है। दोस्तों आप भी इसी तरह से कर सकते हो। दोस्तों सभी LED बल्ब का सेम प्रोसेसर है, आप कर सकते हो इसी प्रकार से। दोस्तों मेरा ये एक LED ख़राब हो गया था, मैंने उसको निकाल के वहाँ पे दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों फिर भी आपको कुछ